जुर्म का सेक्शन दिखा रखा है, यहाँ पे है फ्रॉम कार्गो होल्ड बिल्जेस, यहाँ पे भी है फ्रॉम कार्गो होल्ड बिल्जेस, एक पोर्ट साइड है एक स्टारबोर्ड साइड है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ऑयल टू ऑयली बिल्ज टैंक, तो ये हो गया OWS ऑयली वाटर सेपरेटर। ये ऑयली वाटर सेपरेटर का आफ्टर मॉनिटरिंग ओवरबोर्ड है, इसमें ऑटोमेटिक वैल्व होता है 15 ppm पे ट्रिप हो जाएगा, अगर आप ग्रेट लिक्स पे हो तो 5 ppm पे ट्रिप हो जाएगा। ये है डिस्चार्ज ऑयल टू ऑयली वाटर ऑयली बिल्ज टैंक। यहाँ पे है बिल्ज पंप, यहाँ पे है फायर एंड बिल्ज पंप, इसका डिस्चार्ज ये है, एक कनेक्शन इसके साथ है। ये है टनल से, टनल वेल से। फिलहाल आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द अपर हाफ ऑफ द ड्रॉइंग, बिल्ज लाइन को डिस्कस कर लेते हैं जो ऑरेंज कलर में दे रखी है। ये बिल्ज वेल का फिल्टर है, यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व दिखाना जरूरी है, यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व दिखाने जरूरी हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट रिवर्स फ्लो। ये आ रहा है यहाँ पे, ये गया ये बिल्ज पंप ने सक्शन ली, कहाँ से ली? फ्रॉम ओल्ड कॉमन लाइन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल वाल्व, जो वाल्व खोलोगे वहां से सक्शन ली, ये डिस्चार्ज हो गया। इससे ये तो एक सेक्शन कॉमन लाइन, अब ये दूसरा देखिए, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन आ रही है, ये इंडिविजुअल वेल से आएगी, एक है कॉमन वेल्स, एक है इंडिविजुअल वेल्स। कॉमन लाइन अगर तंग कर रही है तो सारे वेल्स खराब हो गए, अगर इंडिविजुअल वेल से कर रही है तो मैं वो पर्टिकुलर लाइन खराब होगी, क्योंकि हर एक वेल की पाइप वहां तक जाएगी, अगर ये नहीं चल रहा बाकी लाइनें चलेंगी, अगर कॉमन लाइन में डिफेक्ट है तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये इशू। यहां पे एक और फिल्टर दिखा रखा है, इमरजेंसी बिल्ज सक्शन इन द इंजन, पानी इनफ्लो इतना ज्यादा है दैट बिल्ज पंप कैन नॉट कोप अप विद इट, देन आई नीड टू डिस्चार्ज इट विद द हाईएस्ट कैपेसिटी पंप इन द इंजन, दैट मे बी द सी वाटर पंप, दैट मे बी द बैलेस्ट पंप, इट डिपेंड्स। ये वाल्व खोलेंगे, यहां से फिल्टर के थ्रू इसे सक्शन लिया, ये गया बैलेस्ट पंप के थ्रू, आई कैन डिस्चार्ज इट ओवर बोर्ड। अगर मेन सी वाटर पंप था तो मेन सी वाटर पंप से सक्शन लूंगा, इंजन के थ्रू होता हुआ बाहर फेंक दिया ओवर बोर्ड। ये है इमरजेंसी बिल्ज सक्शन के लिए। इसके अलावा है आपकी बैलेस्ट पंप के, ये लो सी सक्शन है पंप प्राइमिंग के लिए है, ये हाई सी सेक्शन प्राइमिंग का है, ये ओवरबोर्ड डिस्चार्ज है आपका पंप का, और यहाँ पे आपका सक्शन और डिस्चार्ज फोर पीक एंड डबल बॉटम टैंक्स, ये है मेन बैलेस्ट टैंक्स। ये क्या है? कार्गो होल्ड बिल्जेस का, ये है बैलेस्टिंग सिस्टम। सर जो इमरजेंसी बिल्ज सक्शन है इसको, इसमें सिर्फ पानी है कुछ ऑक्सीजन इसको बाहर? बेटा इमरजेंसी का क्या मतलब हुआ? ऑयल है या पानी है, तुम्हारा शिप सिंक कर रहा है, बाहर फेंको, तो आओ ऑयल रिकॉर्ड बुक में आप लिखोगे माई मेन पंप्स आर नॉट, माई बिल्ज पंप्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट, OWS इज नॉट एबल टू कोप अप विद इट, सो आई एम स्टार्टिंग द इमरजेंसी बिल्ज सक्शन। सो ये जो है सारे, ये आपका क्लियर हो गया, ये है फ्रॉम कार्गो होल्ड, ये था फ्रॉम इंजन होल्ड, सो ये सारा का सारा फॉरवर्ड वेल, ये आफ्ट वेल हो गए, ये फॉरवर्ड वेल हो गए दोनों, यहाँ पे आफ्ट वेल, तो इस वेल से या इस वेल से या इस वेल से ये लिक्विड गई इधर, ये गई मैं डिस्चार्ज कर दिया। मैं अगर फायर एंड जीएस पंप का देखूं तो उसकी भी सक्शन इज फ्रॉम चेस्ट, सी चेस्ट, ये पंप है, ये उसकी सक्शन आ रही है,
ये देखिए सक्शन आई अलग से चेस्ट है इसका, ये इसका डिस्चार्ज जा रहा है। अब इसका डिस्चार्ज आई कैन इवन हैव अ कनेक्शन टू योर ऑयली वाटर सेपरेटर इफ नीड बी। ये दो पंप्स हैं आपके पास, I can send it over. और अगर नीचे जो आपने दो एरो बना रखे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो ना, अगर मैं ये वाल्व खोलता हूँ तो ये कनेक्टेड है पाइप, तो इस पाइप से मैं इसको बिल्जेस को निकाल सकता हूँ ना। ओके, ये सक्शन बंद कर दिया, इधर से सक्शन निकल गया। सर पिंक वाले जो दो आपने एरो बना रखे फ्रंट, ये इमरजेंसी बिल सेक्शन है पिंक वाले, तो एक ही डायरेक्शन में बना रखे सर ये। हां सर, ये देखो ना, ये पोर्ट साइड का मेरे को इधर से इसके थ्रू डिस्चार्ज करना है, तो इधर के थ्रू ले जाऊंगा। अगर ये वाला करना है तो इसके थ्रू ले लूंगा, डिपेंड करता है पोर्ट चावर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। बिल्कुल, आई कैन टेक इट दिस वे आल्सो, आई कैन टेक इट दिस वे आल्सो। तो इसमें पंप कौन सा यूज करें सर आप? इसमें इस केस में, इस केस में मैंने ये वाला पंप दिखाया आपको, ये वाला पंप इसके थ्रू मैं कर सकता हूं। ओके, ऐसे किसी भी किसी पंप के थ्रू कर लो ना यार, इट डजंट मैटर, दीज आर कनेक्शंस, मल्टीपल कनेक्शंस आर देयर, बीच में कहीं में ब्लैंक्स लगे होते हैं, ब्लैंक्स रिमूव करके जो मर्जी यूज कर लो। ये देखो, ये लो सी सक्शन, हाई सी सक्शन, ये मेन सी वाटर पंप था, ये क्या तो वो नीचे दिख रहा है, इससे सक्शन ले सकता हूं मैं इधर से, इमरजेंसी इधर से करो लाइन से आपस में। ये देखो इमरजेंसी बिल सक्शन से ले लिया, ये ले। So, ये है आपका बिल्ज एंड बैलेंस का डायग्राम। इसमें ये हाफ पीक का अलग से लाइन दे रखी है, आगे इसी लाइन इसके थ्रू कर लो, इसके थ्रू कर लो, जिस मर्जी पंप के थ्रू कर लो, दैट इज योर बिल्ज एंड बैलेंस पंप। सो ये लाइन है, ये नॉन रिटर्न वाल्व्स हैं, ये स्क्रू डाउन वाल्व्स हैं, ये फॉरवर्ड बिल्ज का वेल है, हमने वेल से लिए सक्शन, आई कैन पास इट थ्रू दिस रिडक्टर सिस्टम और आई कैन पास इट थ्रू द फॉरवर्ड बिल्ज वेल। ये फॉरवर्ड बिल्ज वेल, बिल्ज वेल है, उसको भी मैं रिडक्टर के थ्रू पंप आउट कर सकता हूँ थ्रू रिडक्टर सिस्टम। ये भी फिल्टर है, ये भी फिल्टर है, मैं कोई भी सिस्टम यूज कर सकता हूँ। यहाँ से सक्शन लिया, इसके थ्रू मैं भेज सकता हूँ, यहाँ से लिया, इसके थ्रू कर सकता हूँ, इंटरकनेक्शन वाल्व्स है हमारे पास। ये है कॉफर डैम, इंजन रूम कॉफर डैम है, आई कैन पंप दैट आउट आल्सो। ये है मेन इंजन फॉरवर्ड बिल्जेस, क्लीन टैंक, मेन इंजन आफ्ट बिल्जेस, फिर कॉफर डैम आफ्ट, ये सब के सब में डोनेटन वाल्व्स हैं जो इम्पोर्टेंट कि उल्टा फ्लो ना चले जाए, बिल्जेस फ्लड हो जाएगी। इडक्टर कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। ये है आपका डायग्राम विद रिगार्ड्स टू बिल्ज एंड बैलेंस। So we were talking about characteristics. ये मेरा formula था, NPSH is equal to atmospheric pressure plus minus suction head minus friction losses minus vapor pressure loss. This is the net positive I want of this. क्योंकि इसे मैं directly minus लगा दिया ना, pressure gauge से ये तीनों मिल गए, इसमें से ये minus कर दिया, आ गया answer मेरा। This should be higher than the required. अब
टाइम कैन कम दैट यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द पोस्ट. तो वो कहीं भी रहता है कुछ नहीं. आप इसको आपकी ये नेगेटिव आ रही थी वैल्यू, क्या करोगे? क्या करोगे? आपकी एन पी एस एच ए अवेलेबल जो है इट इज कमिंग नेगेटिव, नेट पॉजिटिव नहीं आ रहा. अब बताओ क्या करो? कार्गो तो डिस्चार्ज करना है ना, प्रेशर होना सकता है, क्या करो? पहली बात तो है हम इसका आरपीएम कम भी कर सकते हैं, तो एन पी एस एच रिक्वायर्ड की कमती होगी तो अवेलेबल तो है. आप समझ लो रिक्वायर्ड कमती हो गया, आरपीएम कमती कर दिया मैंने, रिक्वायर्ड हो गया. फ्लोरेट कमती कर दिया, एन पी एस एच आर कमती हो गया. डिस्चार्ज रेट कमती कर दिया, डिस्चार्ज प्रेशर कमती कर दिया, एन पी एस एच रिक्वायरमेंट की कमती होगी. एक तो मैं इन दोनों से खेल सकता हूँ, फ्लोरेट से या डिस्चार्ज प्रेशर से, दो चीज़ें होगी. अब अगर मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को कुछ कर सकता हूँ, मैं टैंक का प्रेशर बढ़ा सकती हूँ, आईजी आईजी का प्रेशर डाल दिया, ये बढ़ गया वैल्यू, आई एम सेफ. अब थोड़ा कार्गो था फिर भी मैं डिस्चार्ज कर सकता हूँ बिकॉज एन पी एस एच पॉजिटिव. बात समझ आई? अब इधर आ जाओ सेक्शन 8, कुछ कर सकता हूँ उसका मैं? एंड नथिंग मच आई कैन डू. इनिशियली जब स्टार्ट किया तो लिक्विड लेवल ये थे, धीरे धीरे लिक्विड लेवल यू मुड़ते जा रहे हैं. विद टाइम जो इस टाइम पॉजिटिव था, धीरे धीरे वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकता है. आई जी का प्रेशर मेरे को ध्यान में रखना है. फ्रिक्शन लॉसेज का मैं कुछ कर नहीं सकता. मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे आई शुड यूज पाइपलाइन जिसमें एक मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है, वेरी स्मूथ कर्व एंड हार्डली एनी बेंड्स इन द पाइप. वेपर प्रेशर का मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ. मेरी एच वी पी जितना टेम्परेचर हायर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, मैं उसको कमती कर देता हूँ टेम्परेचर. तो एक आई कैन डिस्चार्ज कार्गो एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द सेम कार्गो आई कैन ऑल्सो डिस्चार्ज एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. Why should I not operate at 80 degrees centigrade? You got the answer now. Variables are here, aapke paas. Iske alawa ek aur cheez hoti hai called inducer. Ye normally nobody explains you this part. Ye dekhiye pura pump khaya hua hai, impeller kha gaya because of cavitation. Ye hai cavitation damage. Ye dekhiye kya hoti hai cavitation damage. ये देखिए कैविटेशन डैमेजेस, व्हाई कंपनी मेक सो मच ऑफ नॉइज. आई जस्ट बी दैट इन अ क्लास ये देखिए इसने क्या किया. He has put a inducer in front of the impeller, suction side. हमारा एंटीपोजिटिव सक्शन है, मेरे को सक्शन साइड में चाहिए ना, आई ऑफ द इंपेलर में चाहिए ना. ये आई ऑफ द इंपेलर थी, ये मैंने उससे पहले इंड्यूसर लगा दिया. इंड्यूसर इज नथिंग बट अ मिनी पंप. इसने प्रेशर बढ़ा दिया सक्शन साइड में, मेरी रिक्वायरमेंट ही कमती है. माई एन पी एस एच आर रिक्वायर्ड नाउ इज वेरी लो, मेरा कैविटेशन नहीं होगा. देखा इसने क्या किया, ये देखिए एक इंड्यूसर लगा दिया उससे पहले कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट. सो नाउडेज अ लॉट ऑफ पंप्स आर कमिंग व्हिच आर हैविंग दिस, रेजेस द इनलेट स्टैटिक सक्शन हेड एंड प्रिवेंट्स कैविटेशन by maker. It does not increase NPSH but decreases NPSHR. वही तो मेरे को चाहिए. ये आंसर समझ आ गया? हाँ जी सर. तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप लिखोगे which other boys will not be giving in their answers. Gentlemen, the topic on pumps is over. If you have any question, ask me now. Inducer.